तो पिछले 4 से 5 साल के अंदर मैंने काफी सारे फोटोशूट किए और पहले मेरी फोटोज कुछ ऐसी आती थी, लेकिन अब मेरी फोटोज कुछ ऐसी आती है। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर 600 से ज्यादा पोस्ट करे और 1,71,000 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे, वो भी सिर्फ फोटोशूट करके। तो बिगनर्स लोग क्या मिस्टेक करते हैं अपने फोटोशूट के पहले या फिर बाद के अंदर, जो कि पहले मैं भी करता था, वो सारा कुछ कवर करने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना। और मैंने इस वीडियो को जो है 10 पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड करा है। 10 पार्ट में बताऊंगा कि लोग जो है जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है वो ये 10 पॉइंट होते हैं। इनको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा फोटोशूट को तुम यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आउटफिट मिस्टेक। और बहुत सारे लोग बिगनर्स इस मिस्टेक को करते हैं, वो कुछ भी पहन के चल जाते हैं फोटोशूट पे। तो पता नहीं होता कि क्या पहनना है, कौन सी लोकेशन पे कौन सा आउटफिट सही लगेगा, वो उस चीज की उनको नॉलेज नहीं होती है, इसलिए उनकी फोटो भी अच्छी नहीं आती है। तो कोई भी लोकेशन पे तुमको कोई भी आउटफिट नहीं पहनना है। तो तुम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारी लोकेशन कैसी है और तुम उस पर कैसा आउटफिट पहन रहे हो। क्या तुम्हारी लोकेशन उस पर पूरा मैच हो रहा है? पूरा मैच नहीं होना चाहिए, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। मान लो अगर तुम्हारे कोई लोकेशन है जो कि डार्क बैकग्राउंड पे है, तुम लोग अगर वहाँ पे लाइट कलर पहनोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ में तुम यहाँ पे कॉम्बो बना सकते हो अपने आउटफिट का। और इसके साथ में अगर तुम अभी भी स्किनी फिट जींस पहनते हो कुछ इस तरीके की, तो फिर क्या कर रहे हैं यार तू? तो तुम लोगों को नीचे और ऊपर दोनों का बता देता हूँ। तो यहाँ पे तुमको जीन्स के अंदर तुम्हारे को जो यहाँ पे तुम जो है बैगी कर सकते हो, बैगी जो जीन्स है वो काफी अच्छी लगती है। साथ में तुम कार्गो ट्राई कर सकते हो, जो कि कार्गो बहुत अच्छी लगती है शूट के अंदर। तुम्हारे को थोड़ा खुला पहनना है, थोड़ा खुला खुला पहनोगे ना तो तुम्हारे फोटोज और अच्छी निकल के आएगी। मान लो तुम 6 पॉकेट कार्गो या फिर 8 पॉकेट कार्गो इस तरीके की पहन सकते हो, या फिर तुम बेल बॉटम भी आजकल चल रहा है तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे को स्किनी फिट नहीं पहनना, स्किनी फिट बहुत पहले चलता था, अभी के टाइम पे वो बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन तुम फिटिंग के अंदर तुम फॉर्मल यूज कर सकते हो। फॉर्मल तुम्हारा पैंट है तो ऊपर शर्ट भी तुम्हारा फॉर्मल होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल फिट तुम्हारे को पहनना है। लेकिन अगर तुम ऊपर ओवरसाइज पहनोगे और नीचे फिट है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको तो अंदर टकिंग करके अगर शूट करते हो तो उसमें भी काफी अच्छी फोटो निकल के आएगी। और इसके साथ में तुम रिलैक्स फिट जींस पहन सकते हो, जो कि कुछ खुली खुली लगती है, मतलब ज्यादा बिच्छी भी नहीं लगती है, ज्यादा चिपकी भी नहीं लगती और ज्यादा खुली भी नहीं लगती, लेकिन वो रिलैक्स फिट होती है, जो कि काफी डिसेंट लगती है, काफी अच्छी लगती है। तो तुम लोगों को कुछ कॉम्बो के साथ खेलना पड़ेगा। तुम ऊपर क्या पहन रहे हो, नीचे क्या पहन रहे हो, उस चीज का तुम्हारे को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिंपली एक एग्जाम्पल के लिए, तुमने नीचे ब्लैक कलर का जींस डाला जो कि रिलैक्स फिट है, ठीक है, नॉर्मल, ज्यादा खुला भी नहीं, ज्यादा बिच्छा भी नहीं। अब ऊपर तुम व्हाइट वेयर कर सकते हो, व्हाइट शर्ट हो गई या व्हाइट टी शर्ट एक्सेट्रा, कुछ भी व्हाइट टी शर्ट है तो नीचे तुम्हारे को व्हाइट स्नीकर डालने तो पूरा मैच हो जाएगा, पूरा आउटफिट तुम्हारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एक लोकेशन पे तुम व्हाइट पे भी कर सकते हो, ब्लैक पे भी कर सकते हो, क्योंकि तुमने पूरा मिक्स मैच कर रखा है। ब्लैक तुम्हारे आउटफिट के अंदर ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तुम देख लेना कि तुम्हारे कैमरे के अंदर किस तरीके से फोटो आ रही है, अच्छी आ रही तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपने शूट करना, अदरवाइज कोई और लोकेशन डिसाइड करके वहां शूट कर सकते हो। अब इसके बाद में अगर तुम्हारे को शर्ट पहनना पसंद है, अगर तुम नीचे तुमने ब्लैक पहन रखा है तो ऊपर भी तुम प्योर ब्लैक पहन सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारी लोकेशन ब्लैक ना हो। अगर तुम्हारी लोकेशन भी ब्लैक होगी, तुम्हारा आउटफिट ब्लैक होगा, तो वहां पे तुम्हारा आउटफिट बिल्कुल निकल के नहीं आएगा। चाहे तुम्हारा कितना ही अच्छा फोटो शूट हो जाए, कितना अच्छा कैमरे से शूट कर लो, लेकिन फिर भी वो फोटो बहुत बेकार आने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए दे सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक शूट किया था, जहाँ पर देख सकते हो मैंने ब्लैक कलर का जींस डाला है, नीचे मैंने बूट्स डाले जो कि ब्लैक कलर, जो कि सदाबहार है, जो हर आउटफिट के साथ इजिली चल जाता है। इसके बाद में तुम ऊपर मैंने यहाँ पे शर्ट डाला है जो कि बड़ा शर्ट डाला है, ठीक है, जो कि हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। ब्लैक कलर का शर्ट है जो कि टेक्सचर वाला शर्ट है, और साथ में पीछे की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके की जो तुम देख सकते हो, और फोटो बहुत ज्यादा बॉम्ब निकल गया है। और इसी के साथ में कभी भी अपनी जो है तुम जींस पहन रहे हो, काफी सारे लोग मैं देखता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लोग मेरे को टैग करते हैं वो कुछ इस तरीके की फोटो डालते हैं, मतलब पैंट ऊपर खींच रही है, बाजू फोल्ड है, मतलब सही से कॉलर टक इन नहीं है। और सबसे बड़ा मेन रोल क्या है, जब भी तुम आउटफिट अपने फोटो शूट पे जा रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे जो कपड़े वो आयरन होने चाहिए, मतलब पूरे प्रेस होने चाहिए, जो कि मतलब अगर तुम नॉर्मल कितना भी महंगा कपड़ा पहन लो, अगर वो प्रेस नहीं कर रखे, तुमने उसको प्रेस करके पहनोगे तो काफी अच्छा लगेगा, काफी डिसेंट लगेगा। कभी भी फोटो शूट पे जा रहे हो तो अपने कपड़ों को प्रेस करो, उसके बाद में उसको वेयर करके शूट करो, तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है लेयरिंग करना। अब अगर तुम लोग बहुत ज्यादा स्किनी हो, बहुत ज्यादा पतले दिखते हो, तो लेयरिंग तुम्हारे फोटोशूट को एक नहीं दो लेवल ऊपर पहुंचा देगा। कि लेयरिंग करने का सीधा फंडा यह है कि तुम थोड़े मोटे दिखते हो, थोड़े हैवी दिखते हो, तो लेयरिंग करना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तुम लेयर कर सकते हो, तुमने नीचे को जींस डाला है तो ऊपर तुम एक टी शर्ट डाल, ऊपर शर्ट डाल सकते हो, उसको तुम खुला रख सकते हो, और साथ में तुम चेक शर्ट पहनोगे ऊपर तो वो तुम्हारे को काफी थोड़ा भर के निकल के दिखाता है। इस तरीके से साथ में तुम जैकेट वगैरह पहन सकते हो जो कि थोड़ा खुला होना चाहिए थोड़ा, लेकिन ये साइज ये ध्यान रखना कि तुम थोड़ा एक साइज ऊपर लेके चलो। अगर तुम्हारा अगर मान लो मेरे एल आता है तो, लेकिन मैं एक्सल पहनता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा भर के निकल के आऊँ, क्योंकि मैं भी उतना मोटा हूँ। बात तो सही है। लेयरिंग से मैं तुम्हारे एक सीधा एग्जांपल दे देता हूँ मेरी फोटो का। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फोटो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैंने क्या करा, अंदर हुडी डाला है
उसके बाद में ऊपर एक डेनिम जैकेट डाला। अब डेनिम जैकेट भी हैवी है और साथ में अंदर हुडी भी हैवी है। इससे क्या होता है, जो हुडी होता है वो बहुत भर के निकल के आता है, साथ में डेनिम भी डाल लेते हो उसके साथ में, और डेनिम और हुडी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फेवरेट है पर्सनली मेरा। इससे तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी निकल के आएगी और तुम बिल्कुल भी स्किनी नहीं दिखोगे अपनी फोटोज के अंदर। और अगर तुम्हारे को लेयरिंग करने में जरा सी भी दिक्कत हो रही है कि हमेशा तुम लेयरिंग नहीं करते रहोगे, तो अगर जब भी तुम कोई भी कपड़ा पहन रहे हो, अगर मान लो कोई तुम टी शर्ट पहन रहे हो तो उसको तुम, अगर तुम्हारे एल साइज आता है तो उसको तुम एक्सएल पहनो या तुम डबल एक्सएल पहन के उसको साइड से टकिंग करो, और जो मतलब उसकी मतलब जो ओवर साइज होता है ना उनकी फोटोज बहुत अच्छी निकल के आती है। पहले ये मिस्टेक मैं भी करता था कि मेरे जो आता था ना जो मैं वही पहन लेता था, लेकिन अब जो है मैं थोड़ा बड़ा साइज लेके चलता हूँ उसको थोड़ा टकिंग करके साइड में से, और वो थोड़ा बड़ा लगता है तो वो अच्छा भी लगता है मोस्टली फोटोशूट के अंदर, रियलिटी के अंदर उतना नहीं लगता। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है राइट कैमरा एंगल। अब तुम लोगों ने आउटफिट पूरा अच्छा बना लिया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम जो है कहीं भी जाके शूट कर लेते हो, मान लो कहीं पे भी शूट मार रहे हो, तुम्हारे को एंगल फिक्स नहीं हो रहा है, जब भी कोई लोकेशन पे जा रहे हो तुमको कोई लोकेशन फिक्स लगी है अच्छी लग रही है तो उसकी 4-5 एंगल ट्राई करो। ऐसा नहीं एक जगह पे जहाँ पे खड़े हो गए वहीं से फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दिया बस हो गया, ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब भी तुम फोटो शूट पे निकल रहे हो अलग अलग एंगल से फोटो लेके देखो, एक एंगल साइड से लो, एक फ्रंट से लो, एक बैक से लो, तो इस तरीके से साइड बाय साइड, तो इस तरीके से भी फोटो तुम्हारा बहुत अच्छा निकल के आता है। ट्राई करो, उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा, और जो तुम्हारे को सही लग रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करो। इसके बाद में अगर तुम्हारे को लोकेशन डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन सी लोकेशन पे शूट करें, तो तुम रोड पे शूट कर सकते हो, रोड पे बहुत अच्छी फोटोज निकल के आती है। जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम बिल्कुल, अगर तुम नॉर्मल शूट कर रहे हो नीचे, तो नीचे थोड़ा लो एंगल कैमरे को रख फिर शूट करोगे तो रोड भी आएगा प्लस पीछे का बैकग्राउंड भी आएगा। अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो तुम ले सकते हो, अदरवाइज बैकग्राउंड पीछे का अच्छा नहीं है, तुम्हारे को नहीं लग रहा अच्छा, या फिर तुम्हारे आउटफिट से मैच नहीं हो रहा, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, तुम क्या करते हो सीधा अपर एंगल करके या थोड़ा ऊपर चढ़ के, या तुम गाड़ी वाड़ी पे चढ़ सकते हो, या फिर तुम कोई चीज के ऊपर से नीचे की तरफ फोटो क्लिक करोगे तो सिर्फ रोड रोड आएगा जो कि बहुत प्यारी लगती है, और कुछ एग्जांपल तुम यहाँ पे साइड में देख भी सकते हो। और इसके साथ में एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग में देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों के अंदर, जो क्या करते हैं अपनी भी कहीं भी फोटो शूट कर लेते हैं, अगर बैकग्राउंड में कुछ भी आ रहा है, कोई कुत्ता घूम रहा है, कोई बिल्ली घूम रही है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, उसको वो वहां से नहीं हटाते, फिर भी वहां पे शूट कर लेते, या तो शूट करते टाइम उसको वहां से हटा दो, उस एंगल को वहां पे कैप्चर ही मत करो, या फिर अगर कैप्चर हो भी जाता है तो सीधा तुम लोगों को स्नैपशॉट पे आ जाना है, स्नैपशॉट पे क्लिक करो, अपनी फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, साथ में यहाँ पे तुमको दिखेगा हीलिंग वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे उस जगह पे हल्का फुल्का ड्रॉ करोगे तो वहां से वो चीज रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ से रिमूव करके उसके बाद में देन एडिट करके फिर उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, तो तुम्हारी फोटो और अच्छी निकल के आएगी। अब इसके बाद में नंबर 4 पे आता है एसेसरीज। तो अगर तुम स्टार्टिंग से अपनी फोटो को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो ना, तो आउटफिट और अपने एसेसरीज में जरूर इन्वेस्टमेंट करना। एसेसरीज के अंदर क्या क्या चीज जो मेन कॉमन है, वो एक प्लेन चेन ले सकते हो, तो साथ में लॉकेट हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लेन चेन और लॉकेट तुम दोनों का कॉम्बो बना के सिंगल चेन भी यूज कर सकते हो, लॉकेट के साथ में भी यूज कर सकते हो, साथ में कुछ रिंग्स यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके की कॉमन रिंग्स आती है जो कि तुमको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तुमको 300, 400, 500 में मतलब पूरा कॉम्बो आ जाता है। इसके साथ में तुम जैसे रिंग हो गया, बेल्ट हो गया, सनग्लासेस हो गए, सनग्लासेस भी तुम्हारे को 2-3 कॉमन है जो कि मैं भी यूज करता हूँ, कुछ ये वाले कुछ इस तरीके दिखते हैं, ब्लैक व्हाइट इस तरीके, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कॉमन है जो कि तुम्हारे हर आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। नॉर्मल मार्केट से लोगे तो तुम्हारे 100, 150, 200 में तुम्हारे को मिल जाएगा, साथ में अगर तुम थोड़ा हैवी देते हो तुम्हारे कुछ रैंडम तो तुम्हारे जो यूनिक शूट होते हैं उनके लिए काम आएगा। तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों में फोटो शूट में देखा होगा तरीके की रिंग्स यूज करते हैं वो लोग, जो इस तरह की रिंग्स जो कि मतलब तुमको थोड़ा ढूंढने से मिलेगी लेकिन मिल जाती है, स्नेक वाली कुछ इस तरीके से अलग अलग बहुत तरीके की आती है वो की बहुत अच्छी लगती है। फोटो शूट पे वैसे पहन के मत घूमो लेकिन फोटो शूट के टाइम पे तुम पहन सकते हो उनको, नॉर्मल ब्लैक कलर की रिंग आती है वो सब तुम यूज कर सकते हो, और सच बता रहा हूँ एसेसरीज से तुम्हारा फोटोशूट नेक्स्ट लेवल पहुंचाता है। साथ में तुम जो है बैग यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके का बैग आता है साइड में टांगने का जो कि तुमने मेरी फोटोज में बहुत बार देखा होगा, इस तरीके के बैग में इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, और कुछ तुम नॉर्मल बैग ले सकते हो कुछ इस तरीके के बैग होते हैं लेकिन डिसेंट लेना, ऐसा नहीं कि उस पर कुछ ज्यादा फंकी बना हुआ है, कुछ छपा हुआ है, कुछ अलग डिजाइन है, ना नॉर्मल चीज यूज करोगे उतना फोटोशूट तुम्हारा अच्छा निकल के आएगा, नॉर्मल चीज होती है वो तुम्हारे हर आउटफिट के साथ इजीली मैच भी हो जाता है। ज्यादा बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है जो कि है हाउ टू पोज। पोज कैसे करना है फोटोशूट के टाइम पे, जो कि काफी सारे बिगनर्स हो अगर तुम तो फोटोशूट तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है मेरे को पता है, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, मैं कुछ भी पोज दे देता था, कहीं भी बैठ जाता था, तो ऐसा नहीं करना है। मैं तुमको बता दूं, तुम बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हो, जैसे अगर मान लो मैं हूं यहाँ पे, मेरे को फॉलो करो, और भी मेरी जैसी कैटेगरी के काफी सारे लोग हैं उनको फॉलो करके सेम तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में वो चीज चलती है, लेना कि वो किस तरीके से पोज कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो सारी चीज तुम्हारे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। लेकिन साथ में तुम्हारे को यहाँ पे तुम एक ट्रिक अपना सकते हो जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल फॉर्मूला, ठीक है, तुम्हारी फोटो के अंदर यहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल कैसे बनता है, साइड में तुम देख सकते हो यहाँ पे फोटो, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हाथ के यहाँ पे और पैर के यहाँ पे ट्रायंगल
ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे बीच में अगर ट्रायंगल होता है ना तो वो फोटोज काफी अच्छे निकल के आते। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाना, अगर तुम सिटिंग पोज भी दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ गैप रखो, तो थोड़ा खुल के पोज देना, यानी कि थोड़ा गैप होना चाहिए तुम्हारे हाथ के अंदर जो भी तुम पोज दे रहे हो, या फिर तुम सिंपल पोज दे रहे हो तो बिल्कुल तुम्हारे को यहाँ पे डिसेंट रहना है। कुछ इस तरीके से पोज भी ट्राई कर सकते हो, ये भी काफी अच्छे लगते हैं। इसके साथ में तुम जब भी अपनी फोटो यहाँ पे क्लिक करवा रहे हो तो अपने कैमरा मैन को बोलो कैमरे को जो है वो कंटीन्यूअस मोड पे लगा दे। कंटीन्यूअस मोड पे ये होता है कि तुम्हारी फोटो क्लिक होती रहती है, तुम बटन प्रेस करोगे तुम्हारी बहुत सारी फोटोज क्लिक हो जाती है। मान लो कोई रैंडम शॉट होते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे को हमेशा पोज यहाँ पे याद नहीं रहते, तो हम क्या कुछ भी करते रहते हैं, हम जो है पोजेस देते रहते हैं कभी क्या इस तरीके से घूम के। तो तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम रैंडम पोज देते हैं जिसमें हमारी फोटो क्लिक होती रहती है बहुत सारी, और ऑटोमेटिक यहाँ पे 4-5 फोटोज हमारी निकल के आ जाती है जो कि बहुत प्यारी लगती है। तुम रैंडम पोज यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, कैमरे को कंटीन्यूअस मोड पे लगाओ और अपना हर कैमरे के अंदर ये सेटिंग्स होती है तो उसको ऑन करो और उसके बाद में फोटोज क्लिक करो बहुत सारी, ज्यादा फोटो क्लिक होगी लेकिन उसमें से तुम्हारी 4-5 फोटो निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 जो कि है मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर। अगर तुम एक बिगनर हो, और स्टार्टिंग में मैं भी ये सोचता था कि ज्यादा बैकग्राउंड पीछे बैकग्राउंड में ब्लर होगा फोटोज के अंदर तो ज्यादा अच्छी फोटो लगेगी, राइट। तो ज्यादा बैकग्राउंड कैसे अचीव करना है, तो कुछ पॉइंट्स है जो तुम मिस्टेक करते हो वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी तुम कैमरा यूज कर रहे हो, तो बिगनर्स जो भी होते हैं जो भी कैमरा ले लेते हैं तो उनके पास मान लो नॉर्मल कैमरा है। स्टार्टिंग में मेरे पास मान लो 1300D था जो कि मतलब 30,000 के बीच में कैमरा जो कि बिगनर्स के लिए बहुत सही है, ठीक है। इसके साथ तुम्हारे को जब भी तुम नया कैमरा लेते हो तो तुम्हारे को मिलता है 55-250 छोटा वाला लेंस, और एक मिलता है जूम लेंस जो होता है 55-250 या फिर 70-300 अगर तुम निकॉन या कैनन कोई भी यूज कर रहे हो। उसमें कहता तुम्हारे को जूम करना होता है, लेकिन काफी सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो है लेंस को पूरा खोलते ही नहीं है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो 55 से लेकर 250 तक उसको तुम जूम कर सकते हो। जूम लेंस जो होता है उसको जूम तक पूरा जूम करना है, ये बात ध्यान रखना, पूरा जूम करके, यानी कि तुमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट से, मतलब जो भी तो फोटो मॉडल है उससे काफी दूर जाना पड़ेगा। दूर जाके पूरा लेंस को ओपन करोगे, पूरा लेंस को खोलोगे, देन फोकस करके तुम फोटो क्लिक करोगे तो ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर अपर्चर पर मैटर करता है, लेकिन अपर्चर इसका जो जाता है वो मैक्सिमम 5 या फिर 4.5 या इतना जाता है, मेरे हिसाब से इससे कम नहीं जाता है। लेकिन इसकी तुम बिल्कुल जूम करके अगर फोटो क्लिक नहीं करोगे, बिल्कुल अगर पास से ही फोटो क्लिक करोगे तो वो उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं दे पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जब भी फोटो शूट करो तो थोड़ा डिस्टेंस रखना अपने बैकग्राउंड के अंदर, अपने मॉडल और अपने बीच के अंदर जहां तुम फोटो क्लिक कर रहे हो। और ये बात ध्यान रखना कि तुम बैकग्राउंड के पीछे भी, अगर मान लो तुम मॉडल बीच में है तुम फोटो क्लिक कर रहे हो तो मॉडल के पीछे भी बैकग्राउंड होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा गैप होना चाहिए, मतलब थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब 20-30 मीटर की तो दूर होना चाहिए ताकि वो बैकग्राउंड को ब्लर कर सके। अगर आप कोई दीवार के पीछे खड़े हो जाओगे और सोचोगे कि पूरा जूम कर लिया फिर भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे जगह ही नहीं है तो बैकग्राउंड ब्लर कहां से होगा। बात तो सही है। तरीके से तुम एक ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर ले सकते हो, तो अपनी फोटो के अंदर ज्यादा फोटो ब्लर वाली फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके साथ में तुम प्राइम लेंस यूज कर सकते हो, प्राइम लेंस के अंदर मान लो 50mm आते हैं या फिर 85mm। मेरी जो फोटोज देखते हो, मेरी सारी फोटोज जो भी तुम मेरे अकाउंट पे देख रहे हो ये सारी फोटो 85mm से शूट है, और इनका जो अपर्चर जाता है वो जाता है 1.4, यानी कि नॉर्मल जो लेंस होते हैं उनके अपर्चर जाता है 5 तक अपर्चर जाता है, यानी कि जितना कम अपर्चर होता है उतना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर और उतनी ज्यादा लाइट कैमरे के अंदर आती है। तो जितना ज्यादा बैकग्राउंड उतना कम अपर्चर, ठीक है। तो उसका अपर्चर जाता है 1.8, तो इसमें बैकग्राउंड ब्लर और डिटेल भी काफी अच्छी आती है। तो तुम स्विच कर सकते हो प्राइम लेंस के अंदर। अब इसके बाद में तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैमरा सेटिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम जैसे कितना अच्छा आउटफिट पहन लो, फिर भी अगर तुम कैमरा सेटिंग तुमको सही रखने नहीं आती तो तुम अच्छी फोटो क्लिक कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कैमरा की सेटिंग कैसे रखनी वो मैं तुम्हारे को लाइव फोटोशूट पे जाके दिखाने वाला। ओके, तो अभी हम शूट पे आ चुके हैं, तो ये लोकेशन है और कैमरा सेटिंग हम रखने वाले हैं आज। और कैमरा है हमारा USRP 85mm 1.8 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर शटर स्पीड है, पहले 300 पे थे हमने 400 पे कर दी क्योंकि हमारे को थोड़ी डार्क चाहिए थे। अपर्चर 1.8, जैसा मैंने बताया था कि जितना कम अपर्चर होगा उतनी लाइट कैमरा ज्यादा कैप्चर करेगा और जितना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर आएगा उतना कम अपर्चर होगा, ठीक है। IOS यहाँ पे मिनिमम हमने 100 रखा है क्योंकि अभी ये दिन में शूट कर रहे हैं, इसलिए अगर रात में होती तो थोड़ा बढ़ा के शूट करते, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 8 पर आता है ओवर एडिट करना अपनी फोटोज को। काफी सारे लोग क्या करते हैं, जो भी बिगनर्स होते हैं वो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख के, क्योंकि वो प्रैक्टिस कम करते हैं और एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी काफी गलतियां करता था, तो गलती से ही सीखोगे। लेकिन अपनी फोटो को ज्यादा ओवर एडिट मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग में तुमको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा एडिट करा है, लेकिन वो चीज लॉन्ग टाइम तक के लिए सक्सेस नहीं है। तो नॉर्मल एडिट करो जिससे तुम्हारा आउटफिट भी निकल के आना चाहिए, क्योंकि और एडिट के अंदर ही ना तुम अपनी आउटफिट का भी गेम बदल सकते हो। अभी मान लो कि अगर मान लो ये मेरा फोटो है, इस फोटो के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे पीछे का ग्रीन बैकग्राउंड रखा है और आउटफिट मेरा ब्लैक है, पूरा मैंने ऊपर शर्ट भी ब्लैक डाला, नीचे बूट्स भी ब्लैक है और जींस भी मेरा ब्लैक ही है डार्क कलर का। अगर मैं एडिटिंग के अंदर यहाँ पे मैंने ग्रीन टोन रखा है इसी वजह से, अगर यहाँ पे मैं ब्लैक टोन रखता कुछ इस तरीके से लगता
लगता और मेरा आउटफिट का कलर पूरा यहाँ पे दब जाता। तो इस तरीके से तुम्हारे को एक एग्जांपल मिल गया है कि किस तरीके से तुमको अपनी फोटो में कलर ग्रेड करना है, और ओवर एडिट तो बिल्कुल भी मत करना। अब एडिटिंग कैसे सीखनी है, तो इस पे मेरी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, तो तुम उनको चेक कर सकते हो, जिनसे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। साथ में उनके नीचे तुम्हारे को प्रीसेट भी मिल जाएंगे, जिनसे तुम डायरेक्ट टोन डाल सकते हो, बहुत सारी टोन तुम यहाँ पे अचीव कर सकते हो। इसके साथ में अगर तुमको पूरे टोन का प्रीसेट का पैक चाहिए, जो कि मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, अगर तुम उसको परचेस करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो, नीचे लिंक होगा, तुम उसको भी जाके परचेस कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, खासकर बिगनर्स, वो की है शूज कॉम्बिनेशन। तुम लोगों को शूज का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे परफेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो शूज कौन से लेने हैं और अफोर्डेबल, देखो मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारे को अगर फोटोशूट डेली करते हो, तुम डेली फोटोशूट तुम्हारे को करना है, तो तुमको यहाँ पे 4-5 जोड़ी तुम्हारे पास फोटोशूट के लिए शूज होने चाहिए। सबसे पहले आता है व्हाइट स्नीकर, जो कि कॉमन है और बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, जो कि बहुत सही बात है। व्हाइट स्नीकर नॉर्मल लेना, बिल्कुल प्लेन, जो कि तुम्हारे हर आउटफिट के साथ चल जाएगा, तुम्हारे फॉर्मल के साथ भी चल जाएगा और तुम्हारे फंकी लुक के साथ में भी वो इजी वेयर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में तुम एक बूट्स ले सकते हो, जो कि तुमने मेरी बहुत सारी फोटोज के अंदर देखा होगा, ये बूट्स तुम थोड़ा खुला जींस है तुम्हारा तो उसके नीचे तुम वेयर कर सकते हो, और ये भी ऑलमोस्ट सारी कपड़ों के साथ, सारे आउटफिट के साथ इजीली मैच हो जाता है, और इससे हमारी फोटो बहुत अच्छी निकल के आती है। अब इसके बाद में तुम्हारे को एक फॉर्मल शूज भी लेना, अगर तुम कभी भी फॉर्मल आउटफिट में शूट कर रहे हो तो तुम फॉर्मल वेयर करके और वहाँ पे अपना फोटो शूट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मल पे हमेशा स्नीकर नहीं चलेगा, और फॉर्मल पे तुम अगर बूट्स पहनोगे तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। फॉर्मल के लिए फॉर्मल शूज या फिर तुम लोफर्स भी पहन सकते हो, जो भी काफी अच्छे लगते हो। कभी ये देखो, अगर तुमने ऊपर व्हाइट टी शर्ट डाला है, नीचे तुम्हारा कोई डार्क कलर का जींस है, तो तुम नीचे व्हाइट शूज ही डालोगे, अगर तुम नीचे भी ब्लैक डालोगे तो जीन्स और तुम्हारे शूज वो पूरे मैच हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके साथ में तुम जो है एक जो है अलग कलरफुल शूज भी ले सकते हो, एक दो जोड़ी, अगर तुम्हारा बजट अच्छा है तो, ठीक है। मान लो कि कोई अलग कलर में, मान लो कि ऑरेंज कलर है, कोई ब्लू कलर है, जो कि तुम्हारे कोई अलग कोई रैंडम शूट के लिए, स्पेशल शूट के लिए वहाँ पे वो काम आ जाएगा, मतलब तुम्हारे को उसी हिसाब से ऊपर का वेयर करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास ब्लू शूज है, पर तुम ब्लू जैकेट डालोगे और नीचे तुम कोई भी जींस डाल सकते हो, व्हाइट या ब्लैक जो भी है, तो वहाँ पे वो मैच हो जाएगा और परफेक्ट आउटफिट तुम्हारा बन जाएगा। तो इसलिए शूज बहुत मैटर करते हैं, तो शूज पे जरूर ध्यान देना। अब इसके साथ में तुम जो है मिरर के अंदर या फिर कैमरा खोल के तुम अपने एक्सप्रेशन चेक कर सकते हो, अपना लुक चेक कर सकते हो कि किस जगह पे तुम्हारा लुक अच्छा आता है। जैसे मैं देख सकता हूँ, मैं हमेशा जो है इस टाइप रख के बात करता हूँ, क्योंकि इस टाइप पे मेरा जो है कट वगैरह, मेरे बाल वगैरह सब कुछ, मेरी जॉलाइन वगैरह, मेरा सब कुछ इस साइड से बढ़िया दिखता है, पर इस साइड का मेरा इतना खास नहीं दिखता है, क्योंकि तो इसलिए मैं जो है मैं हमेशा फोटो शूट करवाता हूँ तो मैं अपना एंगल चेक करता हूँ, शीशे में जाके देखो कि तुम्हारा कौन सा एंगल परफेक्ट है और उसी एंगल को फोटो शूट पे ट्राई करो। इसके बाद में बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फोटो शूट की लोकेशन से रिलेटेड है, जो कि है एवरग्रीन लोकेशन। एवरग्रीन लोकेशन का मतलब ये है कि तुम उन लोकेशन पे हमेशा शूट कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे आसपास कोई पार्क होता है, यानी कि ग्रीन बैकग्राउंड वाले, वहां पे तुम कोई भी कलर टोन में अपनी फोटो एडिट कर सकते हो। साथ में ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर तुम्हारा कैसा भी लुक है, चाहे तुमने फंकी पहन रखा है, चाहे तुमने फॉर्मल पहन रखा है, या तुमने कोई भी नॉर्मल सा लुक है, वो सारा उस पे काफी अच्छा लगता है और तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी निकल के आती है। साथ में सेकंड लोकेशन जो है वो की है तू रोड, तुम्हारा रोड पे तुम शूट कर सकते हो बाइक वगैरह लेके या फिर नॉर्मल, वो भी काफी अच्छा लगता है, बैठ के खड़े होकर तुम कैसे भी पोज दो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ में तुम ब्रिज वगैरह का यूज कर सकते हो, आसपास अपने पार्क वगैरह में ब्रिज वगैरह होते हैं वहां पे यूज कर सकते हो, और तुम क्रिएटिव शूट कर सकते हो, अगर कोई बंदा ऊपर है तो तुम नीचे पोज दो, ठीक है, अगर बंदा नीचे है तो तुम ऊपर पोज दो, तो इस तरीके से तुम अपना थोड़ा माइंड लगा के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके अपने पोजेस यहाँ पे दे सकते हो, कुछ क्रिएटिव शूट कर सकते हो। और एक लोकेशन जो की है जो तुम इंडोर ही क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ एक बैकग्राउंड आता है जो कि 300-400 रुपए का आता है, जहाँ अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तुमको मिल जाएगा इजीली, उसको परचेस करो और तुम अपने इंडोर ही अपना बैकग्राउंड बना सकते हो, जैसे अभी आरजीबी यहाँ पे चल रहा है पीछे, तो इस तरीके के लाइट क्रिएट करके एक रिंग लाइट लगा के और इंडोर ही अपना शूट कर सकते हो, तो ये भी तुम्हारे पास एक लोकेशन हो जाएगी जो तुम गैप दे देके तुम रीपोस्ट कर सकते हो अलग अलग आउटफिट के हिसाब से, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो गाइस आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मिस्टेक बिगनर्स करते हैं, और इस वीडियो से लिटरली तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान करना या फिर नोट डाउन कर लेना और अपने फोटोशूट पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इन सारे पॉइंट्स को। इसके बाद अगर तुम लाइव देखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से कैमरा सेटिंग रखता हूँ, क्या कैसे पोज देता हूँ, अगर तुम मेरी बीटीएस देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे टैप करो, यहाँ पे मेरा व्लॉग है तो इसको तुम टैप करके देख सकते हो, पूरा व्लॉग डाल रखा है और भी बहुत सारे व्लॉग मिल जाएंगे तुमको, तो जल्दी जाओ इस पे टैप करो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा।